हेलो गाइस, बीजीएमआई प्लेयर्स के लिए एक बहुत सैड न्यूज़ है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फिर मैं बताता हूँ क्या न्यूज़ है। तो जैसे मैंने ओपन करा, फिर मैंने देखा कि कुछ ग्लिच सा हो रहा है। तो मैंने क्लैन के सारे पॉइंट्स इकट्ठा करा पहले, फिर उसके बाद आरपी में गया। फिर आरपी में देखा जो ब्लैंक स्क्रीन, बहुत सारे ग्लिच आ रखे थे। जैसे आज नया RP14 आया, मैं सोचा अपग्रेड कर लेता हूँ। पहले मैंने देखा सब कुछ, मिशन मिशन सब कुछ ठीक था, बस क्लोथ के पीछे का थीम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने रैंकिंग चेक की, किसी ने RP अपग्रेड करी नहीं थी। फिर मैंने वापस से इसको अपग्रेड करा, फिर करा, फिर मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैंने क्लिक करा कि मतलब चलो मेरा तो ठीक है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा क्या पता ग्लिच हो। मैंने सर्वर रैंकिंग में देखा, सर्वर रैंकिंग में किसी का RP अपग्रेड नहीं, जो टॉप 100 बंदे किसी का नहीं है, बस उन्होंने यूसी कर रखा है। तो मैंने फ्रेंड्स का चेक करा, फ्रेंड्स का भी किसी का नहीं है, सबके 1-2 RP हो रखे हैं जो उन्होंने ऐसी फ्री में कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैन होने वाला है गेम, जल्दी सर्वर डाउन होंगे और हमें खेलने को नहीं मिलेगा, सारे हमारे यूसी और इन्वेंट्री सब गई। तो बार बार चेक करा, कुछ नहीं था कुछ नहीं। फिर इन्वेंट्री से चेक करा, सारे कॉइन सब कुछ ठीक था, बस RP में और ये सारे इवेंट्स में ग्लिच आ रहा है। मैंने कार्ड भी चेक करने की सोचा कि कार्ड यूज़ करके अगर हो सकता है तो वो कर लेते हैं, जैसे डिस्काउंट मिलता है 60 UC वाला, तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा था। तो उसका मतलब यही है कि बैन होने वाला है, फिर हमें गेम को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, बीजो में जो खेलते थे और उनके बहुत सारे उसने इन्वेंट्री अपनी ग्रो करी थी, मिथिक फैशन ये सब, लैम्बोर्गिनी, मिथिक कार, पैराशूट, पैरो सब जाए, कुछ भी कर लो, आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकते, वो भी डॉलर में है। तो मैंने पूरी सर्विस अपनी डाउन कर दी। यूसी तो अपग्रेड कर ही नहीं सकते ना ले सकते। तो ये लास्ट वीडियो होगी शायद ये BGMI वालों के लिए, इस हफ्ते तो शायद बैन हो ही जाएगा। तो आप बताओ उसके बाद कौन सा गेम खेलोगे, BGMI के बाद न्यू स्टेट? अगर न्यू स्टेट खेलोगे तो वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और फिर मैं भी यही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बैन गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाय बाय, थैंक यू।